हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है करवा चौथ, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो ये तैयारी देख के आप लोग को पता ही चल रही है कि करवा चौथ की ये पूरी तैयारी है। तो मैं सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था और मैं पहनी थी नाइटी। अभी भी मैं नाइटी ही पहनी हूँ, नहाने के बाद भी मैं दोबारा नाइटी पहन ली, इसीलिए मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले खाना बनाया, यहाँ कढ़ी चावल रोटी बनाया, और उसके बाद सफाई वफाई की, जो कि बच्चे पूरा खाना ख़त्म नहीं किए, नहीं तो मैं सफाई और अच्छे से कर लेती। और यहाँ मैंने हॉल में देख सकते हैं अपना एकदम चमका दिया चकाचक, जो कि ये चद्दर बाबू फैला दिया, और ये पति देव का कुर्ता भी धो के डाल दिया। पहनेंगे मैचिंग मैचिंग हम दोनों। और ये देख सकते हैं, ये आप लोग देख रहे हो कि बाहर कबाड़ा आ गया दोस्तों। तो ये किचन जो साफ़ सुथरा दिख रहा है, जहाँ हम पूजा करने वाले हैं, तो ये टेबल हम यहाँ उठा के रख दिए हैं। ये मंदिर भी मैंने साफ कर लिया, अभी मैं नहा चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, मंदिर का पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैं बनाने वाली हूँ। सबसे पहले इधर देख सकते हैं मैंने खीर रख दिया, नहा के आने के बाद मैंने यहाँ खीर रख दिया। मेरी खीर धीरे धीरे पकेगी, उबलेगी, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये मैंने चावल निकाल के रख दिया है। मैं बनाने वाली हूँ पुलाव टाइप का कुछ, और उसके बाद मैं यहाँ देख सकते हैं ये है ग्रेवी के लिए पनीर बनाने वाली हूँ और पूरी बनाने वाली हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो अब मैं रेडी होने के बाद आप लोग से मिलूँगी, क्योंकि कोई घर पे नहीं है तो मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। जा रही हूँ मैं अब कपड़े वपड़े निकालूंगी, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ हो रही है हमारी तैयारी, तो ये रत्ना कर रही है, यहाँ क्या बना रही हो? स्वास्तिक। तो इस बार हम लोग ने अपना जगह चेंज कर दिया, हमेशा हम लोग ने किचन में पूजा करते थे। कितने साल से? लगभग 10 साल से हम लोग किचन में पूजा कर रहे थे, इस साल हम लोग यहाँ चेंज कर दिया। ये हमारा मेन मंदिर, मंदिर के ठीक सामने यहाँ हमारा पूजा होगा, और ये हो रही है हमारी तैयारी। तो ब्लॉग मैंने बस थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ, क्योंकि ताकि ब्लॉग लंबा ना हो। तो ये तैयारी से अभी लास्ट में दिखाऊंगी कि पूरा रेडी होने के बाद कैसा लग रहा है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो कैसा है थोड़ा लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हो, इसलिए मैं वीडियो बनाना भी छोड़ दी। कौन इतना मेहनत करे जब कोई देखता ही नहीं है। तो अब आप लोग देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे से ये मेरी देवरानी ने डेकोरेट कर दिया चौक को, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये पूरी तरह से तैयारी हो गई है हम तीनों की। यहाँ ये मेरा करवा है और लोटे में जल है जो अर्घ देंगे, और देवरानी का और जेठानी का हम तीनों साथ में पूजा करने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए हम लोग ने मतलब हॉल में डिसाइड किया कि हॉल में करेंगे, क्योंकि गर्मी किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और जगह भी कम पड़ता है, इसीलिए हम लोग। तो अब हम डायरेक्ट देख सकते हैं एकदम अच्छे से तैयार होके आ गए हैं पूजा स्थान पे, क्योंकि मुहूर्त चालू हो गया है। मुहूर्त कुछ 6 बजे ही स्टार्ट हो गया था, 6 से 7:03 तक। तो हमें रेडी होते होते 7 बजने वाले थे, बस 5-10 मिनट बाकी था, तभी हम फटाफट आ गए पूजा स्थान पे। यहाँ हम तीनों कुछ बात कर रहे हैं, तो वो तो मैं आप लोग को सुना नहीं सकती हूँ, क्योंकि हम क्या बातें कर रहे हैं। तो ये हम कुछ तो बातें कर रहे हैं। हाँ, रत्ना बोल रही है कि भाभी पहले हम कथा पढ़ लेंगे फिर हवन करेंगे, क्योंकि धुएं से बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ रत्ना जा रही है कथा सुनने, मतलब कथा सुनाने। तो हर साल तो मैं पढ़ती थी कथा, पर 2 साल से जब से देवरानी आई है शादी करके, रत्ना ही करती हैं कथा। तो यहाँ रत्ना कथा स्टार्ट कर दी थी, तो रत्ना कोई और पेज पढ़ रही थी कथा, तो फिर बाद में याद आया कि नहीं, ये वाला कथा तो हम नहीं पढ़ते हैं, हम कोई और कथा पढ़ते हैं। तो फिर हमें याद आया कि नहीं, हम तो साहूकार वाला कथा पढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ। यहाँ रत्ना बहुत धीरे धीरे पढ़ रही है, तो आप लोग को उसकी आवाज़ें नहीं सुनाई देगी, इसीलिए मैं आपको सुनाऊँगी, क्योंकि मुझे मोहजवानी कथा याद हो गया है जो करवा चौथ पे बोलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये बुक लेके मैं वो पेज खोल के बता रही हूँ रत्ना को कि ये वाला नहीं, बल्कि ये वाला कथा करवा चौथ का कथा बोलना है, तो साहूकार वाला। तो फिर उसके बाद मैं पेज खोल के देती हूँ, तो रत्ना स्टार्ट करती है। तो रत्ना सुनाएगी, उससे पहले मैं आप लोग को साथ में ही सुनाती हूँ। तो एक था साहूकार, साहूकार के 3 मतलब साहूकार के
सात भाई थे और एक बहन थी। तो एक दिन करवा चौथ का कार्तिक मास में करवा चौथ का व्रत आया, तो सातों भाभियाँ भी व्रत थी करवा चौथ का और उनकी इकलौती बहन भी व्रत थी। तो फिर क्या हुआ, बहुत प्यारी थी, मतलब बहुत ही दुलारी बहन थी, इकलौती बहन थी, जाहिर सी बात है। तो जैसे शाम होती है वैसे उनके भाई लोग इतना प्यार करते हैं अपनी बहनों से कि खाना खाने जब जाते हैं तो साथ में बहन को भी लेके खाते हैं। तो अपने बहन को बोलते हैं चल बहन अर्घ दे ले और फिर खाना खाते हैं। तो बहन बोलती है भाभीयों से जाके कि चलो भाभी चाँद निकल आया है, चलो अर्घ देते हैं। तो चाँद अर्घ का मतलब बात क्या होती है, चाँद निकला नहीं होता है, भाई लोग झूठ बोल के बहन से अर्घ दिलवाते हैं कि चाँद निकल गया है, चल बहन अर्घ दे ले फिर उसके बाद खाना खाएंगे। तो भाभी जवाब देती है, भाभी लोग क्या बोलती हैं कि तुम्हारा चाँद निकला होगा, हमारा अभी नहीं निकला है। तभी भी बहन मानती नहीं, अपने भाइयों के बात पे आ जाती हैं और सातों भाइयों की बहन जाती हैं। एक भाई चाँद नकली चाँद दिखाता है, दूसरा भाई अरे अर्घ देने के लिए बानी देता है। तो बहन चाँद देख के नकली चाँद देख के अर्घ दे लेती हैं और फिर जैसे चौपड़ पे मतलब चौपाई पे मतलब जैसे साथ में खाना खाने बैठते हैं, जैसे खाना खाने बैठती हैं वैसे क्या होता है, उनके पहले ही एक रात में जैसा पहला ही कवर उठाती हैं कंकड़ आ जाता है, दूसरे कौर में बाल आ जाती हैं, तीसरा कौर जैसे उठाती हैं वैसे उनके ससुराल से संदेशा आता है कि तेरा पति ज़मीन में पड़ा है, जैसे तेरा पति नहीं रहा और तू ससुराल जा। तो फिर वो उठ जाती हैं, फिर जब ससुराल जाने लगती हैं तो उनकी माँ ने एक सोने का सिक्का और चावल और जो देते हैं वो बेटी को वो देती हैं बांध के, बोलती हैं ले अरे बेटी जा ससुराल और जो भी सुहागन मतलब पहला जो भी सुहागन के तुम पैर पड़ोगी उनको ये सिक्का और ये चावल वगैरह दे के और सुहाग का आशीष ले लेना। बहन निकल जाती है, तो निकलते समय जहाँ ससुराल जब पहुँचती हैं तो रास्ते में या गांव में जो भी सुहागने पड़ती हैं सबका पैर पकड़ती हैं और सब मतलब अलग अलग आशीर्वाद देते हैं, कोई जीते रहो, कोई फलो पूड़ो, कोई मतलब ऐसे ही सब सुहाग देते हैं, सात बहनों की लाडली हो, खुश रहो, सात बहनों का प्यार बना रहे, सब कुछ आशीर्वाद सब दे देते हैं, पर एक आशीर्वाद कोई नहीं देता है कि सुहागन रहो। तो नहीं वो देती हैं किसी को मतलब आशीर्वाद, मतलब नहीं देती हैं, सिक्का नहीं दे पाती हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचती है बहन, उनकी ननद पड़ती है, जब वो अपनी ननद के पांव लगती हैं तो उनकी ननद बोलती हैं कि सदा सुहागन रहो। जैसे ननद बोलती है सदा सुहागन रहो तो वो चांदी का सिक्का और जो सामान ली रहती हैं ननद को दे देती हैं। फिर अंदर जाके देखती हैं तो पति ज़मीन पे पड़ा रहता है और वो पति के पास बैठ जाती हैं और फिर उसके बाद करवा माँ से प्रे करने लगती है, मेरे पति को मतलब उठा दो, क्या हो गया इनको। तो फिर उनके करवा माँ बोलती, मतलब कई बहनें होती हैं कार्तिक मास की, अगहन की, पूस की, चैत की, ऐसे सारी मतलब करवा जो चौथ आती हैं सब बोलती हैं कि जो आगे वाली आएंगी मतलब अगहन की आएंगी या पूस की आएंगी या चैत की आएंगी उनसे बोलना, उनसे अपना दुख बताना। फिर लास्ट में जब कार्तिक मास के जो महीना पहले आता है वो वाली चौथ आती हैं तो वो बोलती हैं कि अरे व्रत खंडन करने वाली करवा ले, अरे नकली चांद देखने वाली करवा ली। तो वो मिन्नतें करने लगती हैं फिर साहूकार की बहन, फिर वो बोलती हैं कि देख कार्तिक के मास में चौथ की जो करवा आएंगी उनसे तुम विनती करना और तभी तुम्हारा सुहाग वापस आएगा। तब वो कार्तिक की मास जब आती हैं चौथ माता यही करवा चौथ, तब वो माता विनती करती हैं तो फिर वो गुस्सा मतलब पहले तो नाराज़ होती हैं चौथ माता, फिर बोलती हैं कि अच्छा ठीक है। फिर वो अपने नाखून से बिंदी मतलब नाखून पाली से माथे से महावर मतलब ये सब निकाल के सुहाग की निशानी निकाल के और उनके आँचल में भर देती हैं, बोलती हैं जा सुहागन रहे। फिर उनके पति उठ के बैठ जाते हैं, फिर साथ में चौपड़ बखेले बैठ जाते हैं। फिर दासी आती है सब देखती है तो फिर जाके पूरे गाँव में फैलाती है, मतलब कि जैसे साहूकार की बहन का सुहाग वापस आ गया, अगर सारी गांव की महिला सुहागनी औरतें करवा चौथ का व्रत रखेंगी तो सबके सुहाग अमर रहेगा। तभी से ये प्रथा चली आ रही है करवा चौथ का, सब महिलाएं मतलब करवा चौथ का व्रत रखने लगी हैं अपने सुहाग के लिए। तो यहाँ हमारा मतलब पूजा कथा संपन्न होता है दोस्तों। आई होप आपको ये कथा अच्छा लगा होगा। तो मेरी देवरानी तो ख़त्म कर ली पर मैं आपको धीरे धीरे अच्छे से समझा रही थी,
इसीलिए टाइम लग गया। तो अब हम जा रहे हैं लास्ट में हवन करने। तो मतलब ये हवन का प्रथा मतलब सब नहीं करते हैं, जिसका जिसका मन करता है वो करता है, पर आप जिस तरह से पहले साल पूजा करते हो उसी तरह से आप हर साल कर सकते हो। तो ये मेरी जेठानी पहले पहले रहती थी, तो वो हवन मतलब बहुत उनको तो बहुत सारा तरीका बताया गया था जो कि बहुत डिफिकल्ट था, तो हम लोग ने थोड़ा सा सिंपल बनाया ताकि हम आराम से कर सके। तो फिर यहाँ देख सकते धुआँ चालू हो गया और मुझे ने धुएँ से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया, जब से मुझे साइनस प्रॉब्लम हो गया है। मतलब इतना मतलब प्रॉब्लम होने लगा है ना कि जैसे ही धुआँ चालू हुआ ना मेरा सर पकड़ने लगा और मेरे से देखा नहीं जा रहा था। तो यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जलने लगेगा, फिर उसके बाद हम हवन करेंगे। तो दोस्तों पूजा संपन्न करने के बाद यहाँ हम टेरेस पे आ गए हैं अर्घ देने और चांद को देखने। तो वीडियो में बने रहिए। पहले चंदा का पूजा करो रत्ना, पहले चंदा मामा का पूजा करो, फिर बाद में टीका उका लगा के फिर लास्ट में फूल भेज देंगे। प्लेट भी फूल नहीं मारो लगाओ जा पर असिस्टेंट बन जा। देवरानी जेठानी का दोस्तों अर्घ देख के चांद देख के हो गया है। मेरा हमेशा लास्ट में होता है क्योंकि ये जगह यहाँ दो ही लोग को बैठने का होता है, इसलिए मैं वेट करती हूँ। तो यहाँ मैं देख सकते हैं अकेले कर रही हूँ, ऑलरेडी तीन लोग करके जा चुके हैं, एक और भाभी हैं वो सबसे पहले करके चली जाती हैं। वो लगता है चाँद का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हैं, जैसे चाँद निकलता है वो टेरेस पे दोनों मियाँ बीवी पहुँच जाते हैं और फिर हम जाते हैं। तो यहाँ मैं आराम आराम से पूजा कर रही हूँ, तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो यहाँ देख सकते हैं वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो था दोस्तों, आप लोग बोर हो जाते हैं किसी तो फास्ट 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 मैं कर रही हूँ। तो ये अर्घ दे रही हूँ लास्ट में, उसके बाद बारी आती है पति देव के पूजा पाठ की, तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा पूजा संपन्न हो गया, मैंने अर्घ वर्घ सब अच्छे से दे लिया। अब ये हमारे पति परमेश्वर टकलू महाराज आ रहे हैं, तो ये टकले हुए हैं, जब आजी का हमारी कार हुई थी तो उनके लिए टकले हुए थे, तो बाल अभी ऊपर आया नहीं है और बाल सारे पक गए हैं, तो छोटे छोटे बाल भी एकदम वाइट वाइट दिख रहे हैं। तो इनकी तो फ़ोटो जैसे मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, सब इतना मतलब कमेंट करने लगे, यार बार कलर कर दिए होते, कोई बोल रहा है कि अभी वीडियो में गाना डालो, हाय क्या करूँ राम मुझे बुड्ढा मिल गया वगैरह वगैरह। तो मैंने फेसबुक पर भी जब फ़ोटो पोस्ट किया, पोस्ट तो करना ही था यार,
हर समय एक जैसा लुक थोड़ी रहता है, और इंसान बुढ़ा हो रहा है तो बुढ़ा ही दिखेगा ना, जिंदगी भर जवान तो रहेगा ही नहीं। 40 साल की उम्र होने आई हम लोग की, मेरी नहीं इनकी होने आई, मेरी अभी कम है, मैं अभी 30 साल की, 30 साल की नहीं यार, अभी मैं 33-34 की मैं भी होने आई, और 40 के लगभग ये होने आए, तो बुढ़े तो होंगे ही। हाँ जाहिर सी बात है, औरतें थोड़ा सा मतलब इतनी जल्दी बुढ़ी नहीं होती हैं, तो नहीं यार औरतें भी बुढ़ी होती हैं, पर मैं थोड़ा ज़्यादा रेडी हुई इसलिए मैं बुढ़ी नहीं लगूंगी। पर सब मुझे बोल रहे थे कि तुम इतना रेडी हुई, उनको भी बाल थोड़ा कलर कर देते। अरे यार कैसे मैं सबको समझाऊँ, बच्चे थोड़ी हैं, मैं उनको पकड़ कर उनका बाल कलर करूँ, उनको खुद करना चाहिए। देखो यहाँ अपना बाल में जो फूल गया है, झाड़ भी रहे हैं, एक्चुअली वो अपना बाल उगाने के लिए अपने बाल में बहुत ज़्यादा बहुत ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि बाल अच्छे हो जाए, बूढ़े ना दिखे। और यहाँ मैं चाँद का पूजा करके अभी इनकी शक्ल देखूँगी, और हर साल मैं इनका चेहरा देखते समय यही बोलती हूँ, भगवान तुम्हें सदबुद्धि दे और तुम मेरे साथ खुश रहो, झगड़ा ना करो, क्योंकि हमारी बहुत झगड़ा होती रहती है। मतलब करवा चौथ के दो चार दिन पहले भी हमारा झगड़ा हुआ है, तो लगभग हम लोग हर साल यही होता है कि 2-4 दिन पहले खूब झगड़ा किए रहते हैं, या फिर करवा चौथ के दिन हम एक दूसरे के लिए व्रत रखते हैं। मतलब एक दूसरे के लिए नहीं यार, मैं खाली रखती हूँ, मैं व्रत रखती हूँ, पर सबसे ज़्यादा भूख इनको लगी रहती है। रिकॉर्ड है कि करवा चौथ को सबसे जल्दी इनको खाना खाने की पड़ी रहती है। यहाँ हंस रहे हैं, व्रत मैं रहती हूँ, मुझे नहीं खाना खाने की जल्दी रहती है, क्योंकि यार इतना सारा पहने रहते हैं, अच्छे से निकालेंगे तभी तो खाना खाएंगे। यहाँ देख सकते हैं मिठाई खिला दिए, अपना मिठाई लेके और फोटो भी नहीं खिंचा रहे थे, ये मुश्किल से एक फ़ोटो खिंचाए और भाग गए थे। बहुत अच्छे से ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि कोई कुछ करने वाला नहीं था, इसके लिए